पल करेंगे खुदा के कलाम के लिए, खुदा के खादम की ताज़ीम में खड़े हो जाएं। और थोड़ी देर के लिए कहूँगा, ज़्यादा वक्त के लिए नहीं कह रहा, खुदा के कलाम की इज्जत करें। पास्टर इरफान को वेलकम करेंगे, वो आएंगे और खुदा के कलाम को शेयर करेंगे। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत फतेहमंद अब्दी और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स का कि जिसने आज सुबह फिर हमें इकट्ठा किया कि हम खुदा के कलाम पर निगाह कर सकें और अपनी तरबियत के लिए, इस्लाह के लिए और ज़िंदगी की तरतीब के लिए खुदा के कलाम को खोल सकें। आमीन। क्रिसमस सीज़न चल रहा है, दुनिया भर के अंदर मसीही लोग और दूसरी अक़वाम भी इस डे को बड़े ही जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। मुझे इस चीज़ का तजर्बा हुआ और आप सब लोग भी टीवी पर और इंटरनेट फेसबुक पर देखते होंगे कि ऐसे मुल्क जो क्रिश्चियन ममालिक नहीं हैं तो भी उनमें क्रिसमस ट्री बनाए जा रहे हैं, सजाए जा रहे हैं और लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और हम इस बात के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो इस दिन को मनाते हैं और हम इस दिन की अहमियत को जानते हैं। हम इस दिन में जीते हैं, हम इस दिन के लिए जीते हैं और इस दिन से बरकत पाते हैं। आमीन। आज का मेरा जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे वो है रोशनी की नवीद। क्या है? रोशनी की नवीद। जब हम क्रिसमस के सारे माहौल के ऊपर निगाह दौड़ाते हैं, जब हम सारे माहौल को देखें, क्रिसमस सीजन से लेकर न्यू ईयर तक और उसके अलावा जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें, तो जहां जहां पर भी मसीह यीशु की पैदाइश की बात की जाए, चाहे वो पेशन गोई हो, चाहे मसीह यीशु पैदा हो चुके हैं या मसीह के साथ जुड़ी हुई कोई बात हो, हम वहां पर रोशनी का एक मुकाम देखते हैं। हम रोशनी को यीशु के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं। इवन कि जब मसीह यीशु की पैदाइश की नवीद दी गई, जब बिशारत दी गई, जब एक बड़ी ग्रोह आसमान से उतरी, तो वहां पर भी हम एक नूर को देखते हैं। और फिर जब कौम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से एक होलनाक तारीकी में, रात के अंधेरे में निकलती है और बियाबान के अंदर सफर करती है, तो हम एक रोशनी को उनके आगे आगे चलता देखते हैं। आमीन। कलाम मुकद्दस बयान करता है वो रात को आग का सतून बनकर, यानी एक रोशनी का बड़ा सतून उनके आगे आगे चलता था ताकि क्या करे, उनकी लफ्ज याद रखिएगा, आपका साथ चाहिएगा मुझे, उनकी रहनुमाई करता था, उनके आगे आगे चलता था। ऐसे ही है। फिर हम देखते हैं कि जब मुकद्दस मूसा खुदा से बात करने के लिए जाता है, तो वहां पर भी मुकद्दस मूसा से जो बात करता है वो क्या है, एक बड़ी रोशनी है, एक बड़ा नूर है। और इस कदर खुदा के नूर की तजल्ली कि उसका चेहरा रोशन हो जाता है। और फिर इससे पहले कि वो कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाले या
कोहे जैतून के ऊपर जाकर बातचीत करे, वो जलती हुई झाड़ी में जब ये नजारा पाता है तो जलती हुई झाड़ी क्या है, उसमें से क्या निकल रही है, एक आग, रोशनी है। और फिर जब हम पैदाइश की किताब का मुतालिया करते हैं तो पहले बाब के अंदर जब खुदा ने जमीन, आसमान और इसमें मौजूद तमाम चीजों को बनाना था तो पहला बाब उसकी पहली आयत में क्या लिखा है, जमीन सुनसान और वीरान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बश करता था। खुदा ने देखा कि हर तरफ अंधेरा है, तारीकी है और खुदा को तारीकी पसंद नहीं आई, खुदा को अंधेरा पसंद ना आया। और खुदा ने सबसे पहला काम क्या किया, उसने कहा रोशनी हो जा। क्या कहा? और रोशनी, तो खुदा ने क्या कहा, अच्छा है। रोशनी उसे अच्छी लगी है, रोशनी उसे पसंद आई है। और फिर अगला काम क्या किया, फिर खुदा जी, यस प्रेज द लॉर्ड, तब खुदा ने क्या किया, रोशनी को तारीकी से, रोशनी को अंधेरे से, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। आए आज इस रोशनी की उम्मीद में, जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी, अकॉर्डिंग द बाइबल हम ये जानते हैं कि रोशनी का ताल्लुक खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। और ये कहना मुनासिब होगा कि खुदा रोशनी है, खुदा नूर है, खुदा नूर का मंबा है और वो रोशनी का मौजूद है। आमीन। और इस रोशनी ने, जिसने आकर जमीन की तारीकी को दूर किया, जिस रोशनी ने आकर जमीन की वीरानी को रंगीनी में बदल दिया, कितनी खूबसूरत क्रिसमस ट्री है, साउंड पड़ा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, लाइट ऑफ करो, हम वाला कैसा लगता है, नहीं लगता कैसा है, अपना आप भी बंदन डरावना लगता है, कहता मैं अपने हाथ से डर गया, इतना नेरा पता ही नहीं मेरा किधर है, ऐसे ही है ना, कुछ नजर नहीं आता। और जब खुदा जमीन पर उतरा, उसे अंधेरा छाने लगा, उसने तारीकी पर आकर उसे रोशनी में तब्दील किया। खुदा जहां पर भी आता है वहां रोशनी हो जाती। खुदा जमीन पर उतरा, आसमान से आया और जमीन पर उतरा, उसकी रूह ने जब पानी पर जुम्बश की, उसने देखा अंधेरा है, उसे अच्छा नहीं लगा, वो आ गया तो क्या हो गया, रोशनी हो गई, क्योंकि खुदा नूर है। और फिर उस नूरे खुदा ने, उस कलिमाए खुदा ने, उस कलामे खुदा ने एक जिस्म अख्तियार किया और वो नूर एक जिस्म के अंदर मुजस्सम हुआ, एक ऐसा नूर जो जब झाड़ी में नजर आता है झाड़ी जलना शुरू हो जाती है, एक ऐसा नूर जब जमीन पर उतरता है उसकी तारीकी को दूर कर देता है, एक ऐसा नूर जब मूसा के चेहरे पर पड़ता है उसका चेहरा रोशन हो जाता है। अब वो नूर एक जिस्म में मुजस्सम हो गया। और हुआ क्यों, मूसा का हमने देख लिया, जलती झाड़ी को देखा, इसराइल का निकलना देखा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन क्या जरूरत पेश आई इस रोशनी के मंबे को, जिसे आसमान नहीं जिसमें समा सकता, जमीन पर नहीं समा सकता, उसकी रोशनी को कोई रोक नहीं सकता, जमीन की तारीकी उस रोशनी को नहीं रोक सकी,
वो एक जिस्म के अंदर मुजस्सम हो गई, एक जिस्म के अंदर समा गई। और क्या जरूरत पेश आई कि एक बड़ी रोशनी एक जिस्म के अंदर, 6 फुट 5 फुट 7 फुट 6.5 5 आइडिया कर सकते हैं ना, उसके अंदर समा गई और वो रोशनी से भरा हुआ शख्स जमीन पर उतराया। उसने अर्श को छोड़ दिया, फर्श पर आ गया। यानी यूं कहें कि सारे अर्श की रोशनी, सारी जमीन की रोशनी इकट्ठी हुई और एक जिस्म में समा गई। क्यों? आए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यसाया का सहीफा, उसका नामा बाब और उसकी 6 और 7 आयत। यसाया की किताब उसका नामा बाब 2 और 3 आयत पढ़िएगा। जो लोग तारीकी में चलते थे, क्या जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। उन्होंने क्या किया? बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। आमीन। ऊपर बाद में जाऊंगा, एक बात मेरे दिल में आ गई जब मैं ये याद पढ़ रहा था। जैसे और गनीमत की तकसीम के वक्त क्या लोग गनीमत को समझ रहे हैं? माले गनीमत दिले बेरहम। चलो गुड, थैंक यू, शुक्रिया। मैं इसको इसलिए गनीमत कह रहा हूँ कि जहाँ मैं बात लेकर जाना चाह रहा हूँ वो ये है, इन दिनों में बड़ा माले गनीमत मिलता है। मिलता है कि नहीं? संडे स्कूल के बच्चों को, वड्यानू, गरीबानू, और बड़ा माल आता है, माले गनीमत। और फिर खुशी देखने वाली होती है। तो जे अपने मुताबिक ना लभे तो फिर गल्लां भी सुनने वाली होती हैं। खैर, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो लोग तारीकी में चलते थे, यसाया एक पेशनगोई करता है। दुनिया ने अपनी हस्ती के अव्वल 1000 साल यानी 1000 साल खुदा खुदा करके गुजार दिए। कितने साल? 1000 साल खुदा खुदा करके काटे मगर मसीह जाहिर ना हुआ। जब वो मुल्क मिस्र से निकले हैं, बागे अदन से निकले हैं, एक दौर पर दूसरा दौर, तीसरा दौर, चौथा दौर, दौर पर दौर गुजरते गए, 1000 साल गुजर चुका है इस रोशनी को पाने के लिए, इस जिंदगी की नवीद को हासिल करने के लिए एक मसीहा आएगा। लेकिन 1000 साल गुजरे, मसीह जाहिर नहीं हुआ। 2000 साल गुजरे और अब तक उसका कोई निशान नहीं है कि वो आएगा। 1000 साल, 2000 साल, सदी पर सदी गुजर गई। फिर 3000 साल, फिर 4000 साल बीत गए, हनूज मसीह नहीं आया। अबाउ जदाद मर गए, बताने वाले मर गए, नबी मर गए,
پیشن گوئیاں کرنے والے مر گئے, مسیح آئے گا, مسیح آئے گا, اور مسیح نہیں آیا. اسوری, فارسی, مصری حکومتیں آئیں, حکومتیں گئی, کئی تہذیبیں پکارتی رہیں. اسوری تہذیب نے پکارا, فارسی تہذیب نے پکارا, مصری تہذیب نے پکارا, رومی پکارتے رہے. ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر فتح کرتا رہا, فتوحات کے دور گزرتے رہے, مگر آسمان ساکت ہے, دروازے نہیں کھل رہے, روشنی زمین پر نہیں اتر رہی, لوگ مسلسل خدا کے خلاف کام کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا, اندھیرے کو, تاریکی کو گناہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تاریکی انسان کی زندگی کے اندر, میں پچھلے دنوں میں کسی بچے سے پوچھ رہا تھا, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, کسی جگہ پر تھا تو کسی بچے سے پوچھ رہا تھا, اس بچے نے کہا مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. کیا تھا؟ تو میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو اندھیرے سے کیوں ڈر لگتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بچپن میں ڈر لگتا ہوگا, کس کس کو بچپن میں اندھیرے سے ڈر لگتا تھا؟ کوئی بھی نہیں مننا لگا, لگتا سی بچے انہوں ڈر دے سو, ادو تو امی تو بغیر چڑھن باتھ روم ہی نہیں سو جاندے, ڈرتے ہیں نا. اب آپ میں سے کوئی بندہ مجھے بتائے گا کہ اندھیرے سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ انا تو پھر ڈرتے ہی رہے, انہوں سے کسی ویلے بھی نظر نہیں آتا, وہ تو ڈر نال ہی مر جائے. جی کوئی اور؟ ہاں جی بھائی صاحبان میں سے, بزرگ صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تجربہ کار, اندھیرے سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیا چیز ہے اندھیرے کے اندر؟ اندھیرے کوئی تاریکی کہتے ہیں؟ ہاں گڈ. تاریکی سے ڈر کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اندھیرے میں ہمیں اکیلے پن کا احساس ہونے لگتا ہے کہ جب اندھیرا ہے کوئی بھی کہیں سے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بات کی سمجھا رہی ہے؟ تو ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایک خوف ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے, جب بھی گناہ انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے, گناہ آپ کو تنہا کر دیتا ہے, گناہ آپ کو اکیلا کر دیتا ہے, گناہ آپ کو ویران کر دیتا ہے, آپ کی زندگی کی خوشیاں ختم کر دیتا ہے. آپ جب مرکز کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو بدروحوں میں گرفتار ہے, مسلسل گناہ کی وہ حالت میں ہے, اور قبرستان میں وہ چلا جاتا ہے, بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. قبرستان چ باور ہوں شہر خاموشاں, درست ہی ہے نا؟ اچھا پھر ٹھیک. کیا تھا؟ خاموش, ویرانہ, اکیلا پن. وہ کیوں وہاں جا کر رہتا تھا؟ کیونکہ گناہ نے اس کی زندگی کو اکیلا کر دیا ہے. اندھیرا اور آسمان بند ہے, کوئی روشنی نہیں ہے, لوگ مسلسل گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ضابطۂ حیات نہیں ہے, اور جو کاہن ہیں, جو قاضی ہیں, جو علماء ہیں, جو خدا کے کلام کو, جو صحائف کو, جو انبیاء کو جانتے ہیں, وہ اس بات سے پریشان ہیں یسوع نہیں ابھی تک آیا. لوگ مسلسل گناہ میں مر رہے ہیں, گناہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس گناہ کی تاریکی نے, اس اندھیرے نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. ایک گناہوں کی کالی چادر ہر ایک چیز کے اوپر چھائی جا رہی ہے.
गुनाह का अंधेरा लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है और लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे। इस हालत के अंदर, इस मौका मकाम पर एक रोशनी की नवीद मिले, एक रोशनी की किरण आए और वो अंधेरा छटना शुरू हो जाए। जब मैंने अंधेरे की बात की, बहुत सारे सवाल आए जिनमें ये था, हमें नजर नहीं आता। जब आप अंधेरे में चलते हैं, क्या हम अपने रास्ते का सही तयन कर सकते हैं? यकीनन हम ठोकर खाते हैं। गुनाह करने वाला शख्स अंधेरे में चल रहा होता है, वो हर जगह पर ठोकर खाता है, वो हर जगह पर गिरता है, वो अपनी रूह को गुनाह की ठोकरों से मुसलसल जख्मी कर रहा होता है, क्योंकि वो अंधेरे में चल रहा है। उसे रोशनी की उसका रास्ता रोशन नहीं है। और बड़े बड़े मोरख आए, बड़े बड़े उलमा आए, मजहब को, दीन को, सितारों के इल्म को जानने वाले गुजरे, तवारीख में बड़े बड़े बादशाह गुजरे, लेकिन जिस चीज का उन्हें इंतजार है वो दुनिया में आश्कारा नहीं हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा है और हम आखिर जमाना की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसमें हमें एक नवीद नजर आती है। वो वक्त आ पहुंचता है कि आसमान हिले, वो जो साख्त है वो टूटे, वो सख्ता टूटे और आसमान के दरवाजे खुले और आसमान की रोशनी जमीन के ऊपर फिर से पड़े, और जैसे उसने पैदाइश की किताब में इब्तिदा में कहा, रोशनी हो जा, और उसने अंधेरे को रोशनी से, रोशनी को अंधेरे से जुदा किया और रोशनी अंधेरे के ऊपर गालिब आई। फिर से रोशनी गुनाह के ऊपर गालिब आए और सुबह शाम आसमान पर सूरज, चांद, सितारे कहकशां इस चीज के मुंतजर हैं कि आसमान हिले और हम खुशी का नारा मारें। आसमान खुश हो, जमीन खुश हो और सियाह चलमन हटा दी जाए और रोशनी की नवीद मिले, चेहरे से काला नकाब हटाया जाए और हम खुशी के गीत सुने। और ऐसे में क्या हुआ कि कैसरोगस्तस एक ऐलान करता है। ऐलान समझो, बड़े ड्रामे होते हैं ना। क्या उसने ऐलान किया? रूमी शहंशाह ने हुक्म नाफिज किया कि सल्तनत के तमाम सूबों के अंदर मर्दमशुमारी की जाए। इस मर्दमशुमारी का ऐलान होते ही आसमान पर कहकशां चमकने लगी है, अंधेरे छटना शुरू हुए हैं। नवीद ये है, मर्दमशुमारी की जाए और हर एक अपने अपने इलाका में जाए। और इसी असनाह के अंदर एक औरत है, एक मर्द, मरियम नाम औरत और एक यूसुफ नाम मर्द, दोनों सफर तय करते हैं बैतलहम की तरफ, जो उनके मस्कन नासरत से जनूब की तरफ है, और वो जनूब की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर इस सफर की कहानी नहीं बताई गई, कहीं ये बयान नहीं है उनका सफर कितना मुश्किल गुजरा, उन्होंने कहां कहां पड़ाव किया,
नहीं। हाँ ये है कि मैं समझता हूँ कि सफ़र में दुश्वारियाँ ज़रूर पेश आई होंगी क्योंकि उसकी बीवी हामला है। और फिर जब वो नाम लिखवाने के लिए मर्दम शुमारी के लिए बैतलहम में जाते हैं तो बैतलहम के अंदर 3,000 लोगों की गुंजाइश, इतनी सी वादी है वो। और वहां पर हम देखते हैं कि दूर दूर से लोग, परदेशियों की एक बड़ी भीड़ जमा है। और इस बड़ी भीड़ के अंदर, इस बड़ी जमायत में ये दो लोग भी शामिल होते हैं। और एक आवाज आती है, रहने के लिए कोई जगह मिल सकती है, कोई कमरा अवेल हो सकता है। यूसुफ कभी दाएं भागता है, कभी बाएं भागता है, कभी वो किसी शख्स के पास जाता है, कोई चारपाई। मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है, लेकिन कहीं कोई जगह नहीं मिल रही। शोर है, शराबा है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है सर धरने की जगह नहीं मिल रही है। परिंदों के घोंसले, इकाब का घोंसला, गार शायद उस वक्त सबसे बेहतरीन जगह होती जो जगह मरियम को मयसर आने को है। और जब कहीं कोई जगह नहीं मिलती है तो मरियम का शौहर यूसुफ गाय, बैल, बेड़ों, बकरियों, ऊंटों की आवाजें आ रही हैं, शोरो गुल है, उन्हें पीछे करता हुआ एक चरनी के पास पहुंचता है और उसे कहता है इससे ज्यादा हमारे पास और जगह नहीं है। कोई मददगार औरत उस मरियम की मदद करने के लिए अंदर आती है और आकर उससे सवाल करती होगी, तेरे पास रोशनी का कुछ सामान है? मैं इस अंधेरे कमरे में तेरे लिए कोई रोशनी जलाऊं, इस चरनी पर कोई रोशनी करूं? और वो कहती है दरवाजे के अंदर से, उसकी दराड़ में से जो दरवाजा बंद किया है, जो रोशनी आ रही है, इसके अलावा रोशनी नहीं है। जो औरत उससे रोशनी का सामान मांग रही है, शायद वो औरत ये नहीं जानती कि जो पैदा होने वाला है वो रोशनी का मंबा है। उसे रोशनी की जरूरत नहीं है, जब वो आएगा तो उसकी रोशनी से दुनिया मुनव्वर होने को है, तारीक जिंदगियां मुनव्वर होने को है। और दरवाजा बंद है, हल्की सी रोशनी अंदर आ रही है और वो फिर दूसरा सवाल करती है, तेरे पास कुछ खाने को भी है? एक थैला उसके पास पड़ा होगा। और वो कहती है कि सफर में आ रहे हैं, नासरत से सफर तय करते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं, इस थैले के अंदर ही कुछ होगा खाने के लिए और एक गर्म कपड़ा। जब वो चरनी में लेटती है, जब उसे चरनी में डाला गया है, जब उसे वहां रखा गया है, उसका वक्त आ पहुंचा है, जानवर बेजुबान है। मैं कहना बड़े ही चंगे जानवर सन, पीछे पीछे हो गया ना, जगह दे दीती। बंदियां तो बाहर किन्ना रोला पिया है, पर देशियों की वड्डी जमात को जगह नहीं देता, जानवर अपनी जगह दे दीती। हम में से बहुत सारे लोग इंसान हैं, किरदार काश इन अच्छे जानवरों जैसा ही हो जाए। उन्होंने जगह दी, कपड़े में लपेट कर एक बच्चे को, एक शाही खातून को जो एक बादशाह को जन्म देने को है। शाही खातून का बच्चा कहाँ पैदा होना चाहिए? एक महल के अंदर, और कुछ नहीं तो एक पलंग ते होवे। लेकिन एक शाही खातून एक शहंशाह को, एक ऐसे बच्चे को जन्म देने को है जो खुदा का परतो है, एक ऐसा बच्चा
जन्म लेने को है जो बादशाहों का बादशाह, जो शहंशाह अजीम है, जो खुदा का वारिस है और उसे जन्म देती है। इस छोटे बच्चे को ना गरीबा ने जगह दी थी, ना अमीरा ने जगह दी थी, हेमानाथ ने उसे जगह दी और उसे लपेट कर एक अस्तबल के अंदर रखा गया है। जहां जानवर होते हैं उसे अस्तबल ही कहते हैं ना, वहां पर उसे रखा गया है। आप क्या समझते हैं, ये बड़ी अच्छी जगह होती है? गुड, चलें, गुड। मेरा ख्याल है बदबू के अलावा और भी बहुत सारी तकालीफ इसमें शामिल हैं। जानवरों का मन में आना, मैं बह आवाजें, हाँ, कोई इधर जान दिया, कोई उधर जान दिया, जगह नहीं है, घास भूस चुभने वाला, खुश घास, अपनी वहां की बदबू, बहुत सारी तकलीफों के अंदर ये औरत है। और फिर एक बच्चा जन्म पाता है, उसे पोशाक में लपेट कर, एक गर्म कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। लेकिन जैसे ही उस बच्चे की वलादत होती है, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। आसमान के दरवाजों के खुलते ही एक बड़ा नूर जमीन के ऊपर उतरता है। वो लोग जो अंधेरे में बैठे हुए थे, गडरिए, चरवाहे, बस लोग उन्हें मामूली इंसान समझते हैं, और उनका उन्हें मामूली इंसान समझना इस बायस है, कपड़े मैले कुचैले। लेकिन कभी उनकी भेड़ों का अंदाजा लगाया आपने? कम से कम एक भेड़ कितने की होगी? आज के दौर की बात करते हैं, 15 से 20-30 हजार की। तो जिस बंदे को 100-150 भेड़ा होन, वो गरीब है? वो ठीक ठाक अमीर शख्स है। वहां पर बैठे हैं, और मजे की बात यह है कि ये जो पहाड़ों के दरमियान वादी थी, इस वादी के नीचे सरसब्ज घास का फर्श था, और लोग वहां पर अपने चरवाहों के लिए, वो बड़ी मौजू जगह थी, वो अपनी भेड़ों को वहां पर चराने के लिए लेकर आते थे। और ये जब आप इल्मे इलाहियात का मुतालिया करें, हिस्ट्री को देखें, तो ये जो गडरिये थे, ये गडरिये इल्म को जानने वाले और बड़े मजहबी लोग हुआ करते थे। पक्के मजहबी नहीं जिन्होंने कहते, ये गडरिये मजहबी लोग होते थे और इल्मे इलाही के जानने वाले लोग होते थे। जैसे ही नूर उन पर चमका है, आसमान खुला है, नूर आया है, और जानते हैं ये नूर लेकर कौन आया है? जिब्राइल फरिश्ता एक बड़े नूर के साथ उतरता है, और जैसे ही उन पर रोशनी होती है, वो घबरा जाते हैं, और पहली बात ही फरिश्ता उनसे जाकर क्या कहता है? अंधेरे में बैठे थे ना, अंधेरा हमारे अंदर क्या पैदा करता है? अब डरे हैं, क्योंकि अंधेरे में थे, रोशनी को देख के भी डर गए हैं, क्योंकि ना सिर्फ अंधेरा इर्द गिर्द था, अंदर भी था। और जैसे ही उस रोशनी को देखा, डरे फरिश्ता पहली बात कहता, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक बड़ी, छोटी वड्डी नहीं, बड़ी खुशी की बिशारत देने के लिए आया हूं। आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक कौन पैदा हुआ? मैंने जी का क्या मतलब है? अब निजात देने के लिए जो पैदा हुआ है, निजात की जरूरत किसे है? जरा बोलिएगा, निजात की जरूरत किसे है? किसको है? सारे इंसानों में, लेकिन ईमानदार इंसानों में, गुनहगार इंसानों में, ऐसे ही है ना, किसको है? एक गुनहगार शख्स को। तो इसका मतलब है कि वो इल्म के जानने वाले भी थे, वो मजहबी भी थे, लेकिन उन्हें निजात की, तो वो उन्हें पैगाम क्या देता है? आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए निजात दहिंदा पैदा हुआ है।
वो जो सदियों से एक रील चल रही थी, वो पेशन गोइया, वो अंबिया का बताना कि एक आएगा जो तुम्हें नजात देगा, जिसके आने से, जिसके नूर से अंधेरे और जुल्मत और गुनाह छट जाएगा, वो पैदा हुआ है। और जैसे ही नूर जमीन पर उतरा, बात यहां खत्म नहीं होती। लिखा है कि आसमान के फरिश्तों ने आसमान के घंटे बजा दिए। तूतियां नहीं बजाइयां, बड़े घंटे बजा दिए, और एक बड़ी ग्रोह आसमान से जमीन पर उतरी है। क्या कहती हुई? आलमे बाला पर हो शना। खजूरों के इतवार पे हमने इधर लिखा था, क्या मतलब है इसका? आ और हमें निजात दे, क्या कर, हमें बचा। आसमान से फरिश्तों की एक बड़ी ग्रोह यह कहती जमीन के ऊपर उतरी, हो शना, आलमे बाला पर, नहीं हो शना नहीं, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। ए सितारों, ए कहकशाओं, ए चांद, ए सूरज, खुशी मना, तुझे रोशनी देने वाला नूर से भरा हुआ आज जमीन पर उतरा है। और वो जब जमीन पर उतरा है, तो उसने जमीन पर उतरते ही फरिश्तों ने कहा, होशना, तुम्हें नजात देने वाला, तुम्हारा नजात दहिंदा, तुम्हारा इवजी आ गया है। और जमीन पर उन आदमियों से सुलह, सुलह का पैगाम किन के लिए है? और गुनाहगारों वास्ते सुलह का पैगाम नहीं सी, सुलह का पैगाम उन लोगों के लिए है जिनसे वो राजी है, मेरी धड़ना सुलह होगी, मैं आ गया था देखो। तुम्हें इंतजार था कि तो क्रिसमस आएगा, कि तो यीशु पैदा होएगा, निजात मिलेगी, ईमान रखे हुए थे, मैं आ गया, आओ जी। जिदे नाल सुलह हुंदी उहनूं की करदे हो? गुड, शाबाश, प्रेज द लॉर्ड। और जिदे नाल राजी हो, कपड़े शपड़े भी लैन देन कर कुर लैंदे हो ना, तो फिर तुहाफे को मिठाइयां मठुइयां भी चल चुल जांदियां ने, है ना? ऐसा कुछ ना होए तो क्रिसमस वाले दिन को खीर शीर बना के एक दूजे नाल भेज दी दिए, हलवा शलवा, ऐसा है ना जी? क्यों? हम एक दूसरे से राजी हैं, मैं उससे खुश हूं, और खुदा उन लोगों से राजी है, उनसे खुश है जिसकी उसके साथ सुलह है, जो गुनाह में जिंदगी बसर नहीं करते हैं, जो मौत के साया में बैठे थे, उनके लिए यह खुशखबरी है, निजात दहिंदा आया है। और ये मजूसी उठे हैं क्योंकि आसमान के दरवाजे खुले हैं। क्या समझते हैं? जिस दरवाजे में से हल्की सी रोशनी अंदर चरनी पर पड़ रही थी और एक हामला औरत एक बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देने के बाद क्या होता है? बाहर जाते हैं, दरवाजा खुलता है, कौन है नाल? मुबारक है, हाँ? बाहर एक नवीद देने वाला दरवाजे पर खड़ा होता है, कब खुशी की खबर मुझे मिले और मैं सबको जाकर बताना शुरू करूं। दरवाजा खुला, रेड़ दे विच रोशनी आंदी सी पई, तो दरवाजा खुलिया तो कित्थों आई? हाँ, इतनी सी रोशनी आ रही होगी ना, फिर क्योंकि दरवाजा बंद था, फिर दरवाजा खुला तो कितनी रोशनी आई? 2.5 फुट दी आसमान। ना सिर्फ चरनी का दरवाजा कमरे का खुला है, बल्कि आसमान का दरवाजा खुल गया है और नूर जमीन पर उतरा है। और फरिश्ते और वो जानवर जो वहां पर मौजूद हैं, और वो हर शख्स अपने सर झुकाए, घुटनों के बल हो जाओ, अपने सरों को झुका लो, क्योंकि बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है।
मैं समझता हूं जब चरनी में बादशाह पैदा हुआ और पहला पैगाम जाकर चरवाहों को दिया गया है, तो जो चरनी में पैदा हुआ है वो खुदा का क्या है? बेअब। तो बड़े कितने पैदा होंगे ना, परेशान हो गए हो, बड़े चरनिया ची पैदा होंगे ने, वो खुदा का बरा है, पैदा चरनी में हुआ है, नवीद चरवाहों को दी गई है और चरवाहों को नवीद इसलिए दी गई है क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। वो क्या है? वो अच्छा चरवाहा है। ये चरवाहे भेड़ों को संभालते हैं, ये चरवाहा इंसानों को संभालेगा। वो भेड़ों को खाई में गिरने नहीं देता, वो भेड़ों को सीधे रास्ते पर लेकर जाता है। दाऊद एक चरवाहा था, इसीलिए दाऊद कहता है वो मुझे कहां लेकर जाता है? अच्छी जगह है ना, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, वो मुझे पानी के चश्मों के पास खाने को भी देता है और पीने को भी देता है। और इस बरे ने, खुदा के बरे ने जो चरनी में जिसने जन्म लिया है, ये जो अच्छा चरवाहा है, इसने खाने को अपना खून और बदन दे दिया। इससे अच्छी खुराक कोई नहीं हो सकती जिसके खाने से ना सिर्फ बदन बच जाता है, रूह भी बच जाती है। आमीन। और आवाज धीमी नहीं है अब, चरनी में आवाज धीमी सी थी, मुबारक हो बेटा पैदा हुआ है, हौसला करो मरियम। उसके पास हौसले के अलावा वहां था ही क्या? हौसला कर, खुदा ने तुझे बेटा दिया है। यूसुफ, मरियम का शोहर कहाँ है? वो एक कोने से नमूदार होता है, मैं उसका शोहर हूं, तुम्हें मुबारक हो, क्या बेटा हुआ है, दोनों सलामत हैं। धीमी आवाज है, लेकिन आसमान के फरिश्ते धीमी आवाज में नहीं है। आसमान की कुवतें हलाई गई हैं, जमीन की कुवतें हलाई गई हैं, और हर जगह पर मशरिक मगरिब शिमाल जनूब बादशाह अमीर फकीर गरीब और हर एक शख्स के कानों में आवाज पहुंची है, बादशाह पैदा हुआ है। होशना, आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो, फरिश्ते उसकी तमजीद करना शुरू करते हैं, उसकी तमजीद आसमान से शुरू होती है और जमीन पर उसकी तमजीद शुरू हो जाती है, और हर एक शख्स खुशी के साथ झूम रहा है, दरख्त झूम रहे हैं, परिंदे गा रहे हैं और जुल्मत जा रही है। मेरे अजीजो, जिस तरह से एक मलाह जब अपने जहाज को लेकर जा रहा हो, अंधेरा है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा जहाज किस सिमत में जा रहा है, और एकदम से उसे एक बड़ा मनार नजर आए जिस पर रोशनी हो और उसे सिमत का अंदाजा हो जाए, उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। जिस तरह से एक शख्स जो अंधेरे में सहरा में वीराने में सफर तय कर रहा है, उसे रास्ते का अंदाजा नहीं होता, और एकदम से बादल हट जाएं और कहकशां निकल आए, उसे धूमधार सितारा नजर आ जाए, उसे एक ऐसा रोशन सितारा नजर आ जाए जो उन्हें सही सिमत में लेकर जाना शुरू करे, उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। यहां पर गडरिए डरे हुए बैठे हों और आग जलाई है, इर्द गिर्द एक बाड़ लगाई है, कोई जानवर आकर इन भेड़ों को ना खा ले और एक बड़ी रोशनी उन पर हो जाए, उनकी खुशी की इंतहा नहीं है। और आज मसीहियों के लिए खुशी की इंतहा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका मुनजी उनके दिल में पैदा हो चुका है। आमीन। और मेरे अजीजों, मलाइक आसमान से उतरे हैं जमीन पर ये बताने के लिए, इस पेशन गोई को बताने के लिए कि तुम जो अंधेरे में जिंदगी बसर कर रहे हो, अब अंधेरा खत्म होने को है, अब
रोशनी तुम्हारी जिंदगी में आने को है, एक खुशखबरी तुम्हें सुनाई जाती है। और फिर यशाया की इस पेशनगोई को हम जब मत्ती की अंजील का मुतालिया करते हैं तो उसमें देखते हैं। मत्ती की अंजील का मुसन्नफ इन्हीं अल्फाज के साथ याद दिलाता है कि जो लोग तारीकी में हैं उन पर एक बड़ी रोशनी चमकी, और जो मौत के साया की वादी में बैठे हैं उन पर नूर चमका। उसकी सल्तनत की इंतहा ना होगी, उसकी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी। और अगर हम इस बाब का, नामे बाब का मुतालिया करें तो फिर इस पैदा होने वाले बच्चे की खूबियां यशाया बयान करना शुरू करता है। हम उन खूबियों की तरफ नहीं बढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या खूबियां पाई जाती हैं, लेकिन हम नजात और उम्मीद की नई रूहानी रोशनी की तरफ बढ़ेंगे। खुदा नजात और उम्मीद की एक नई रोशनी लेकर इस दुनिया में पैदा हुआ, और सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं, तमाम उम्मत के लिए, तमाम दुनिया के लिए, जमीन के हर एक शख्स के लिए वो इस दुनिया में आया है। और इस रोशनी का मुजस्सम होने का मकसद ना सिर्फ गुनाहों से निजात, बल्कि वो अपने लोगों को मुसीबत से रहाई दिलाकर उनके दुश्मनों को नेस्त करने के लिए आया है। कौन है हमारा दुश्मन? और वो उसको नेस्त करने के लिए आया। किसी बच्चे को किसी खिलौने के साथ बड़ा प्यार हो और अचानक से उसका खिलौना टूट जाए और वो उसकी किर्चियां जमा करे और अपने हाथ में उठाए, तो उसे उसका क्या नुकसान है? उसका वो खिलौना उसे जख्मी कर देगा। अगर कोई उसे उठाकर बाहर फेंक दे कि इसे तुझे नुकसान पहुंचेगा, और वो फिर उसे बार बार उठाकर लाए, वो टूट गया है, वो नेस्त हो गया है, वो खत्म हो गया है, लेकिन आप उसको नहीं छोड़ रहे। आपने उसे पॉकेट में डाला, आपकी पॉकेट फटेगी, आपके कपड़े फटेंगे, ऐसा ही है ना? तो कपड़े फटने से क्या होगा? नंगे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो गुनाह हमें क्या करता है? वो रोशनी जमीन पर आई और कलाम शैतान को, अबलीस को तारीकी का क्या कहता है? अबलीस तारीकी का मालिक है, और उसने उस तारीकी के मालिक को, तारीकी के खुदा को, तारीकी को अपने पांव के तले क्या कर दिया? कुचल दिया, नेस्त कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तारीकी के इन फौजों के खिलाफ अल्लाह ने जंग किया है, और हमने क्या किया है? क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुड, क्रिसमस ट्री, घर से जाओ, सब कुछ ठीक है, ये किर्चियां जो हैं हमने नहीं छोड़ी। उसने उसे तोड़ा, उसके सर को कुचला। मैं एक जगह पर मुझे इत्तफाक हुआ, मेरे उस्ताद हैं उनके साथ जाने का, वो एक अबलीस एक शख्स में था, उसे निकाल रहे थे, और उन्होंने उसके सामने खड़े होकर बड़े इख्तियार के साथ ये बात की, कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं की, उसके पास खड़े होकर जब वो अपने पूरे जोश में था और बड़ा ललकार रहा था, तो उसे कहने लगे, तो जिन्ना मर्जी ऊंचा बोल, तू हारया है, तू असल से शिकस्त खुर्दा है, तेरा वजूद ही नहीं है, तुझे मेरे यीशु ने अपने पांव के तले कुचल दिया है, ये तेरी किर्चियां मेरा कुछ नहीं कर सकती, दबा जा। निकल गया, उन्हें पता लग गया, इन्हू पता है, ये कठा नहीं करता हूं। हम अपने माजी को, अपने उस गुनाह को, उस अंधेरे को जिसको
खुदा के बेटे नूरे खुदा ने मुजस्सिम होकर खत्म कर दिया, अभी भी इकट्ठा किए हुए हैं। मैं गुनाह नहीं करता, लेकिन गुनाह नाल लेके फिर आ रहा ना, वो आपको नंगा कर देगा, वो आपको जख्मी कर देगा, वो आपकी खुशियां पामाल कर देगा। खुदा का बेटा इसलिए आया है कि आपकी तारीख जिंदगी को रोशनी बख्शे, आप अंधेरे में ना चलें, आप ठोकर ना खाएं, आप उस आवाज को सुने जो बियाबान के अंदर आई, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। वो इसलिए आपके रास्तों को सीधा और मुनव्वर करना चाहता है कि आसमान की बादशाही के वारस बन जाए। एक बादशाह था, इसके साथ बाद हम दुआ करेंगे। उसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। क्या थी? बहुत बड़ी सल्तनत थी। और उस बादशाह ने एक दिन सोचा, अपने वजीर से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें जाऊं और उनका कोई हाल अवाल करूं। ठीक है, खबर पहुंची, बादशाह दूर दराज के इलाकों का विजिट करेगा। अब रास्ते में जंगल हैं, नदियां हैं, दरिया हैं, सहरा हैं, पहाड़ हैं, जाना किसने है? बादशाह ने। चलो जी, सुदार साहब चीफ ने आना है, या कोई सियासी पार्टी का कोई बंदा बैठा हुआ है, सियासत के साथ जिसका कोई ताल्लुक हो जी, कोई वजीर आ रहा है, वजीर आला कह लें, वजीर आजम कह लें, सदर आ रहा है, तो क्या होता है? तैयारियां शुरू, चूने कर दो, गेरियां, सड़कां दुरुस्त कर दो, नालियां साफ करवा दो, ये सारा कुछ होता है ना। ऊंची जगह नीची कर दो, नीची जगह बराबर कर दो, रास्ते हमवार होना शुरू हो जाते हैं, सफाई सुथराई के वो से गुजरे, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बादशाह ने विजिट करना था, रास्ते ऊंचे नीचे बराबर किए जा रहे हैं, नदियों पर दरियाओं पर पुल बन रहे हैं, बादशाह की बगी यहाँ से गुजरेगी। और बादशाह जब वहाँ से गुजरता है, सब कुछ उसके लिए तैयार है, और वो जब वहाँ गुजर कर जाता है, उन इलाकों की सूरत हाल को देखता हुए, रास्ते बड़े अच्छे थे, सब कुछ बड़ा अच्छा था, लेकिन इनकी हालत तो बड़ी पतली है। यहाँ पानी की सहूलत नहीं है, यहाँ अपना सहूलियात नहीं है, ये लोग तो बड़े जुल्मत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनकी हालत को तब्दील किया जाए। आज तक उन्हें ये नवीद नहीं मिली थी, ये उन्हें नवीद कब मिली? यस, बादशाह के आने से दो फायदे हुए हैं, रास्ते सीधे हो गए और पस्ती खत्म हो गई, और अब ये जुल्मत अंधेरे में पिसे हुए लोग, मौत की साया की वादी में बैठे हुए लोग जिंदगी की तरफ गामजन हो जाएंगे। बादशाहों का बादशाह इसलिए आया है कि वो आपकी जिंदगी को सही रास्तों पर चलाए और आप उसके साथ अबदी जिंदगी के वारिस बन जाएं, आपकी जिंदगी के अंधेरे खत्म हो जाएं, आपके अंदर रोशनी आ जाए। और मैं चाहता हूं आपके चेहरे मूसा की तरह रोशन ना हो, आपके चेहरे मूसा की तरह रोशन ना हो, जो चंद महीनों के लिए, चंद हफ्तों या दिनों के लिए था, और फिर आखिर उसके चेहरे का वो नूर जाता रहा। आपकी जिंदगी यीशु के नूर से इस तरह मुनव्वर हो कि जब तक आप उसके जलाल में दाखिल नहीं हो जाते, आप खुद और दूसरों को मुनव्वर करते रहें। हमारी जिंदगी खुदा के नूर से तभी मुनव्वर होगी जब खुदा का बेटा आपकी जिंदगी में पैदा हो जाएगा। मेरे अजीजों, फरिश्तों ने पैगाम दे दिया है, जिब्राइल पैगाम ले आया है, बाइबल ने पैगाम दे दिया है, नबियों ने पैगाम दे दिया है, अब पैगाम की जरूरत नहीं है।
अब जरूरत है गौर करने की। वो रोशनी कहाँ से आनी चाहिए? आपकी जिंदगी के अंदर आपके दिल से रोशनी दरार से आए या दरवाजे से आए? और मैं तो कहना छाती पट्टी जाए तो सीधी रोशनी साढ़े उत्ते आ जाए। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें। आप आंखें बंद करें, आप अंधेरे को फील करेंगे। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, अंधेरा है, तारीकी है, लेकिन आप अपने अंदर जाके जहां एक बच्चा जिसके बारे में यसाया कहता है, और हमारी खातर हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ, आपके लिए वो पैदा हुआ है। आपके अंदर, आपकी जिंदगी, आपके दिल, आपकी सोच, आपके ख्याल, आपके इरादों की अंधेरे को दूर करने के लिए वो तौलद हुआ है। और आप हमें एक निशान बख्शा गया, आप खुदा का बेटा, आप खुदा मुजस्सम होकर आया है ताकि आपको रोशन कर दे। आप बंद आंखों से उसके जलाल से महजूज हो सके। रिबिसीन अबल सो रिबिकिन तबा नबल जो रोबिल थी भी रखा मंदोन इमन जलो भी आयत कॉल इफल दुबई तो मंता बहाइयल का जोर फादली भी खंदो रोब को सिंफन दबाला रथिया जोरावरों का जोर जाता रहा, बादशाहों की बादशाहत जाती रही, लेकिन आपका खुदा कल आज अब तक यकसां अपनी हुक्मरानी में इख्तियार के साथ आपकी जिंदगी में आना चाहता है। उसको इख्तियार देते, उससे कहें मैं अपनी जिंदगी का इख्तियार तुझे देता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू मेरा मनन जी, तूने मुझे नजात बख्शी है, तूने मुझे जिंदगी दी है, आज से मैं अंधेरे में नहीं चलूंगा, मैं रोशनी में चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। और जैसे तू वीराने में नूर बनकर इसराइल की रहनुमाई करता था, ऐ नूरे खुदा मेरी भी रहनुमाई कर, मैं तेरी रोशनी की रहनुमाई में चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तुझे पहनूंगा ताकि नंगा ना रहूं, मैं तुझ में जीऊंगा ताकि कभी ना मरूं। खुदावंद अपने लोगों को अपने कलाम के वसीले बरकत दे।